चलिए देखिए दिस आज कॉन्फ्रेंस स्टार्ट विल नाउ करते बी हैं। रिकॉर्डेड। देखिए चलिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन के अंदर, उस सेशन के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ एडवांस। लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट, सेल्स रूल, टॉप बॉटम, डाटा बस, कलर स्केल और आइकन के बारे में सीखा था। आज हमें इनसे आगे चलना है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अब जैसे आप सभी पे जाते हैं, सभी के नीचे एक टॉपिक मिलता है, मोर रूल्स, मोर रूल्स, मोर रूल्स, मोर रूल्स और मोर रूल्स। ये मोर रूल्स क्या है? तो ये मोर रूल्स ये है, आप जैसे ही न्यू मोल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे पहला मिलेगा फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। ये यहाँ से वैल्यू आपका जो स्किल था वो इस तरीके से चलता है, ये प्रीव्यू 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 ऐसा चलता है। ठीक है, तो स्किल का अगर चेंज करें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसका यूज नहीं होता। इसके जो नीचे वाला टॉपिक है ना, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ लिखा था फॉर्मेट ओनली सेल विद सेल वैल्यू बिटवीन और। अब यहाँ क्लिक करो, अभी आपने जो ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल सीखी थी, कल यहाँ ग्रेटर देन था, क्या यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था? नहीं। यहाँ लेस देन टू था? नहीं। बिटवीन था? नॉट बिटवीन तो नहीं था। इक्वल टू था? नॉट इक्वल टू नहीं था। अगर आपको ये भी लगानी है तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और न्यू रूल्स पे आके यहाँ से क्लिक करेंगे। क्या सेल वैल्यू? यस। बिटवीन? नॉट बिटवीन। इक्वल टू? नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन? लेस देन। ग्रेटर देन और इक्वल टू? लेस देन और इक्वल टू। क्लियर है? आपने बोला नॉट इक्वल टू, मुझे नॉट बिटवीन चाहिए, कितने से लेके? मैंने बोला ये पूरा एरिया में सर्च करो, अगर ठीक है यहां बता दो कौन सी वैल्यू नॉट इक्वल टू चाहिए आपको। मैंने बोला सर 3 से लेकर 5 तक वाली वैल्यू, और कलर कैसा हो जाए? नॉट बिटवीन चाहिए, कलर ये हो जाए, इसको छोड़कर बाकी सारी हो जाएंगी। देखो 3 से 5 तक वाली नहीं हुई, ये आपका नॉट बिटवीन था। ऐसी अगर आपको कोई दूसरी चाहिए, जैसे आपको इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये अगर चाहिए तो कर सकते। ये क्या आपको बताने की जरूरत है? हेलो मैम, हेलो बताने की जरूरत है आपको हेलो। मैम, बताने की जरूरत है आपको नहीं सर, ग्रेटर ठीक देन है। है? हेलो सर, नहीं सर, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट आता है ना हाँ जी, स्पेसिफाई टेक्स्ट। आपने वहां पर पढ़ा था आपने इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन, लेकिन यहां पर कुछ आपको एडवांस मिलेगा। जैसे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है जो आप यहाँ टाइप करोगे। मैंने ये एरिया सिलेक्ट करा और मैंने कहा इसमें से मुझे फाइनेंस को कलर करना है। आप किस पे जाओगे? न्यू रूल्स पे, कंटेंट पे, और यहाँ पर फाइनेंस सिलेक्ट कर दो। स्पेसिफाइड टेक्स्ट कंटेंट में लिख दिया फाइनेंस, तो क्या करेगा ये, जो भी फाइनेंस वाला होगा सभी को ये कलर कर देगा कंटेंट। अप्लाई, अप्लाई, जहां जहां फाइनेंस मिलेगा इसको ये वहां वहां कलर कर देगा। क्लियर? लेकिन मुझे वो करना है कलर जो किससे स्टार्ट होता है, स्पेसिफाइड टेक्स्ट, नॉट कंटेंट। फाइनेंस को छोड़कर कलर करना है, तो ये क्या करेगा, फाइनेंस को छोड़कर सभी को कलर कर देगा। स्पेसिफाइड टेक्स, यहां पर फाइनेंस लिख दिया, एरी को सिलेक्ट करा, कलर आई थिंक ये ले लिया, अप्लाई, अप्लाई, ये फाइनेंस को कलर कर दिया। मुझे नॉट फाइनेंस करना था, 3 बार मैं एक ही चीज गलत कर दी। स्पेसिफाइड टेक्स में जाओ, फाइनेंस, और यहाँ पर नॉट कंटेन करना है, कंटेनिंग, और यहाँ पर जो भी फाइनेंस हो वो टाइप कर दो, कलर सिलेक्ट करो, ग्रे, अप्लाई, अप्लाई। तो
देखो फाइनेंस को छोड़ के उसने सभी को पला कर दिया। लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ से न्यू रूल्स पे। अब यहाँ से टॉपिक मिलता है, वो मिलता है डेट ऑफ, इसके अंदर ही अब आता है बिगेन विद। मैंने कहा मुझे वो चीज पता करो इसके अंदर, इस डाटा के अंदर कहाँ कहाँ दिल्ली है और कहाँ कहाँ न्यू दिल्ली है। कहाँ कहाँ दिल्ली है, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली रोड, दिल्ली बाजार, ठीक है, दिल्ली बाजार और जो भी कुछ और हो। अब मैंने इस पे क्लिक करा, कंटेनिंग पर गया, ठीक है, न्यू रूल्स पे आया और इसको स्पेस डेट स्पेसिफाइड टेक्स्ट पे गया और मैंने बोला बिगेन विद, मुझे वो पता करो जो दिल्ली दिल्ली से स्टार्ट हो, चाहे वो दिल्ली बाजार हो, दिल्ली रोड हो या कुछ भी हो, जो भी हो यहाँ से क्लिक करो और अप्लाई कर दो। जैसे करो यहाँ से दिल्ली वाला सारा हो जाएगा। देखो इसमें दिल्ली रोड नहीं, यहाँ पर दिल्ली बाजार हो गया, दिल्ली रोड हो गया, लेकिन न्यू दिल्ली को इसने कलर नहीं करा। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे चले, अगर इसी के अंदर आप और कुछ चीज कलर करना चाहते हो, जैसे कि एंडिंग विद, मैंने कहा एंडिंग विद जो दिल्ली से स्टार्ट होता है एंड में, उसको कन्वर्ट कर दो येलो कलर में। ऐसे करते जहां जहां आपका एंड में दिल्ली होगा उन सभी कलरों को वो अप्लाई कर देगा। उसने दिल्ली रोड को कलर नहीं करा क्योंकि एंड में रोड नहीं था, तो इस चीज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है स्पेसिफाइड टेक्स्ट में, स्पेसिफाई हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है डेट ऑफरिंग। डेट ऑफरिंग क्या करता है, बताता है। अभी जो आपने यहाँ डेट ऑफरिंग करी थी उसके अंदर क्या आता था, ऑफरिंग के अंदर खाली आपको छोटी चीजें मिलती थी, यस्टरडे, टुडे, टुमोरो, इन द सेवन लास्ट डेट, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर आप इस जगह पे आगे करोगे तो आई थिंक सेम ही प्रोसेस था जो वहां था वो यहाँ होगा। देखिए बिल्कुल वही चीजें जो मैंने वहां करी हैं। मैंने बोला दिस मंथ जो जो चीजें वो कलर करो, देखो जो जो इस मंथ होंगी वो सभी को हाईलाइट कर देगा इस तरीके से। ये इस मंथ में आई है, बाकी सभी को उसने किसी को हाईलाइट नहीं करा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो नेक्स्ट आता है नो ब्लैंक। जैसे एक डाटा है इसके अंदर कोई वैल्यू ब्लैंक है, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। आपने एरिया सिलेक्ट कर, आपने कहा ब्लैंक वाली वैल्यू को मुझे करना है, आपने इसको सिलेक्ट करा, एरिया पे गए और यहां से आपने ले लिया ब्लैंक, तो जहां जहां ब्लैंक होगा ये उसको कलर कर देगा ऐसे। सर ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक। आपने कहा मुझे नॉट ब्लैंक करना है, जो ब्लैंक नहीं है वो बताओ, तो यहां जाना नो ब्लैंक जो भी हो वहां ऐसे डाल देना, ठीक है, जो ब्लैंक नहीं होंगे ऐसे दिख जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो टॉपिक न्यू रूल्स के अंदर, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे एक एरर्स आती है। पता क्या होता है, कभी कभी एक्सेल में एरर्स आती हैं। एरर्स भी 7 तरह की होती है, एक एनए की एरर होती है, एक आरएफ की एरर होती है, तो बहुत सारी होती है। एनए जो नॉट ऐप जो मिलती नहीं है उसमें नॉट एनए हो जाती है। अब मुझे पता करना है कहाँ कहाँ एरर लगी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एरर का फार्मूला होता है एन ए, यहाँ लगा दी एरर, यहाँ लगा दी एरर और यहाँ लगा दी एरर। आपको पता करना है कहाँ कहाँ एरर्स है, तो यहाँ पर जाओ, इस पे आ जाओ और सिंपल सा वही रूल है एरर्स, तो जहां जहां एरर्स होगी वो आपको शो करके बता देगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल्स आता है सेल डेट कंटेंट के अंदर वो होता है नो एरर्स, अगर जहां एरर्स नहीं हो बता दो तो सिंपल है। इसके बाद नीचे आपके पास आएगा ब्लैंक हो गया, एरर्स हो गया, ये हमारा फॉर्मेट्स सेल, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट फिनिश हो गया। अब जो टॉपिक है वो फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम, जैसे क्लिक करोगे तो ये वही आगे जो वहां आता था। अगर आपको बॉटम देखना है तो टॉप बॉटम दिखेंगे, और अगर आपको टॉप 10 देखना है तो देखो, अगर परसेंटेज पे चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो। ऐसे ही आपका एवरेज वाला था, जो ऊपर भी एवरेज वाला कल था, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट। अगर आपको यहाँ से कोई यूनिक और डुप्लीकेट करना है
तो कर सकते हैं, ऊपर भी था नीचे भी था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे आता है यूज आ फार्मूला ऑफ डिटरमाइन विच सेल ऑफ टू फॉर्म। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपसे कहता है कि आपने यहाँ सारा काम कर लिया, आपको जो मिलना था वो हो गया आपके साथ। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहां से नहीं मिली हैं, वो सारी चीजें आप अपना फार्मूला बनाकर कर सकते हैं, आप अपना फार्मूला बनाकर कर सकते हैं। जस्ट पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वन है जिसमें हमने एक मार्कशीट बनाई है जिसमें सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर थ्री में बंदों ने मार्क्स को ऑब्टेन करें, मार्क्स लिए उन्होंने। उन्होंने हमें एक कंडीशन दी कि अगर जिस बच्चे के मार्क्स 100 से ज्यादा हैं तो उसका आइकन येलो, 150 से ज्यादा तो ग्रीन, और जिसके मार्क्स 100 से नीचे हैं उसको रेड कलर का आइकन देंगे। अब यहां पर ऐसी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी अप्लाई नहीं होगी, और मुझे ये कॉलम भी रखना नहीं है। उस केस के अंदर मैं क्या करूं, उस केस के अंदर मैं क्या करूं? पहला तरीका मैं कर्सर रखूंगा। अब याद रखना, जब भी फार्मूला लगाओगे आप तो एरिया सिलेक्ट नहीं करोगे, बाकी सभी केसेस में पहले एरिया सिलेक्ट कर, लेकिन जब आप फार्मूला लगाओगे तो पहले एरिया सिलेक्ट नहीं करोगे, और यहां जाओगे और यहां से फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूले के लिए लिखोगे इक्वल, और सम होता है किसी चीज का टोटल करने। आपने बोला सम, अगर ये वैल्यू का सम ग्रेटर देन हो जाए कितना, 150, तो आप इसमें ग्रीन कलर का आइकन अप्लाई कर दें। नहीं हुआ, अगर ये वैल्यू कितनी हो जाए 50, तो वो देखो ग्रीन कलर का आइकन आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, मैनेज रूल पे गया, यहाँ पर एक डॉलर लगे हुए। डॉलर क्या होते हैं, पहले डॉलर को समझिए। मैंने यहाँ 50 10 लिखा है, और यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ऐसे एक फार्मूला लगाना है जिससे मैं आगे इसको ड्रैग कर सकूं। आप जानते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे आपने इक्वल टू करा और इसको लिंक कर दिया, लिंक करा तो इससे लिंक हो गया है, इससे लिंक है। जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो फार्मूला क्या करता है, अपने आप को भी नीचे ड्रैग करता है। पहले ये 63 से लिंक था, अब 64 से लिंक हो गया। फिर नीचे ड्रैग करोगे ये 65 से लिंक हो गया, ये आपका 66 से लिंक हो गया, हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि ये फिक्स हो जाए, चेंज ना हो, अपने आप को नीचे और ऊपर ना करे। या तो आप जब भी फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर दो चीजें होती है, ई फॉर कॉलम और 63 फॉर रो है। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे F4 दबाऊंगा तो डॉलर का साइन आता है जो इसको फ्रीज कर देता है। अगर दोनों तरफ डॉलर लगाए तो आप इसको कहीं भी मूव करो, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, हमेशा 63 63 से ही लिंक रहेगा। लेकिन फार्मूले में बहुत रियर केस ऐसा होता है कि हम दोनों को ही फिक्स करते, कॉलम को भी रो को। हमने इसको फिक्स करा, हमने कहा इसकी रो चेंज ना हो, रो 63 ही रहे, कॉलम बढ़ता रहे, तो खाली F4 दबा दिया मैंने यहाँ पर, सब आ गया। फिर दोबारा F4 दबाया तो देखो इसकी रो फिक्स हो गई, 63 पे डॉलर का साइन है, इसका मतलब आपकी रो फ्रीज हो गई। ओके, अब चाहे आप कितनी भी आगे जाओ रो फिक्स ही रहेगी 63 63, लेकिन अब कॉलम बढ़ गया। पहले किससे लिंक था, ई से, यहाँ पर आगे एफ से लिंक हो गया, यहाँ पर आपकी जी से लिंक हो गया, यहाँ पर आपका एस से लिंक, यहाँ पर आई से, यहाँ पर आपका जे से, यहाँ पर के से, और यहाँ पर एल से लिंक। फिर आप नीचे आ जाओगे कंट्रोल डी से, तो देखिए नीचे ये लिंक बदल गया, लेकिन इसने अपनी उसको रो को चेंज नहीं किया, रो 63 थी 63 ही रही। अब चाहते हो सर अब रो चेंज होती रहे, कॉलम फिक्स हो जाए, तो यहां जाओ F4 दबा दो, एक बार F4 दबाओ और अगेन F4, अब आपका कॉलम फिक्स हो गया। अब आप कितनी भी आगे जाओ कॉलम एक ही रहेगा, कौन सा, ई कॉलम। जैसे नीचे आओगे अब रो चेंज हो जाएगी, अब 64 हो जाएगी, नीचे आओ 65 हो जाएगी, लेकिन रो चेंज नहीं होगी सर आपकी, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, रो फिक्स, कॉलम फिक्स हो गया आपका, फिक्स हो गया। ठीक है,
अब यही चीज हमको यहाँ अप्लाई करनी है। अब आप जब भी कोई कंडीशनल फॉर्मेट लगा लेते हैं उसको देखने के लिए आपको मैनेज रूल में आना पड़ेगा। जैसे ही मैनेज रूल में दोनों तरफ डॉलर लगा हुआ है तो क्या करो, यहाँ पर F4 दबाओ, एक डॉलर हट गया। अब हमें करना क्या, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग करी वो नीचे तक ड्रैग हो जाए, क्या हो जाए, नीचे तक ड्रैग हो जाए। तो हमें रो को चेंज करवाना है, कॉलम को फिक्स रखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार F4 दबाऊंगा, रो पे डाला आ गया, कॉलम को फिक्स करना है, मैंने रो से स्थान हटाया। यहाँ पर भी सेम करा, रो पे फिक्स रखा और कॉलम को फिक्स करा, रो को चेंज नहीं करा, कर दिया और फॉर्मेट प्रिंटर से लेके इसको ड्रैग कर दिया। देखिए सब में आ गया, दो चीज सब में अप्लाई हो गई, दो में अप्लाई होगी। इसके बाद एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई, न्यू रूल्स पे गया और यहां से एक और कंडीशन लगाई, बोला इक्वल सम, अगर ये वाली वैल्यू अगर कितनी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो आप इसको येलो कलर में अप्लाई कर दो। कर दिया और यहां से मैंने डॉलर के साइन हटा दिए, कॉलम को फिक्स रखा, डो को हटा दिया। क्लिक, यहीं से दोबारा फॉर्मेट प्रिंटर लिया और इसको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दिया, लेकिन सभी में येलो येलो हो गया। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं, येलो हो गया। उसके बाद फिर नीचे गया, एक और कंडीशन लगाई, बोला अगर ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो आप रेड कलर का आइकन कर दो और यहां से F4 करो, डॉलर को हटा दो, यहां F4 करो और डॉलर को हटा दो, अप्लाई करो और इसको ड्रैग डाउन कर दो। आ गई, लेकिन सर ये तो सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही, कैसे? सर इसका सम लगा के देखो, ये 150 है, ये 138 है, येलो कलर ठीक आ रहा है। सर ये तो 150 है, ये भी 150 से ज्यादा है, ये भी 150 से ज्यादा है, सर ये भी 150 से ज्यादा है, ये 150 से कम है, ये 150 से ज्यादा है, तो इसमें ग्रीन कलर का नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपने लगाई है उसका पैटर्न गलत है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, पहले इसको चेक करता है, फिर इसको चेक करता है, लास्ट वाले को करता है। तो आप इसको स्टेप बढ़ा दो, इसको टॉप पे ले जाओ, येलो वालों को सेकंड रखो और अप्लाई कर दो। आगे सही से देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बोलो नहीं दूसरा सर इस कंडीशन को क्लियर पे जाओ और यहाँ से क्लियर पे जाओ और यहाँ से और रोल सेल और यहीं से और यहीं से सारी कंडीशन लगाओ हो गई। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना, न्यू रूल्स पे आना और यहां से फिर अप्लाई करना, लिखना सम अगर ये वाली वैल्यू और वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई करना। ग्रेटर देन इक्वल टू 150 यहां पर जाओ, ग्रीन अप्लाई हो गया। न्यू रूल्स में आओ, यहां जाओ, ठीक है, सम लगाओ, दोबारा बोलो एरिया, इसको सिलेक्ट करो, वही ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इसको करो, यहां से इसको और यहां से येलो अप्लाई कर दिया।
फिर दोबारा मैंने जूल में जाओ कंडीशन के अंदर और यहां से सम करो, फिर एरिया को सिलेक्ट करो, लेस देन इक्वल टू 100 डेट अप्लाई अप्लाई, और दोबारा मैनेज जूल के अंदर चले जाओ और वही स्टेप को फॉलो करो जो बताया था, हो गया अप्लाई एंड ओके, दिस वन क्लियर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि हमें अकाउंट नंबर लिखना है, लेकिन लेकिन अकाउंट नंबर जब भी लिखें तो खाली नंबर नंबर लिखें, अगर नंबर में गलती से कोई कैरेक्टर लिख दिया तो वो हमें रेड कलर के अंदर आइकन शो कर दे। मैंने एरिया सिलेक्ट करा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पता, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे पता कैसे चलेगा कि मोबाइल नंबर में टैक्स लिखा या नंबर। तो हमारे पास एक इस नंबर का फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है यहाँ पर नंबर लिखा या यहाँ फॉल्स आ गया। मैं तो कह नंबर लिखूंगा तो ट्रू, लेकिन जैसे ही टैक्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको बता देगा फॉल्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एरिया को सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आओ, न्यू रूल्स पे यहाँ से फार्मूला लगा दो इस नंबर का, इस नंबर का या इस न्यूमेरिक होगा शायद, आई थिंक इस नंबर ही है। एरिया सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, न्यू रूल्स पर, और यहां से मैंने अप्लाई कर दिया इस नंबर। एरिया सिलेक्ट करा, वो तो यहां से ऑलरेडी सिलेक्ट था इतना। अगर आप डॉलर को फिक्स कर दोगे तो यहां से डॉलर के साइन को हटा देना, वरना वो फिक्स हो जाएगा। इसी को क्लिक करके रखो और बस डॉलर के साइन को हटा देना दोनों तरफ से, ताकि वो चेंज होती रहे। क्लियर है? और यहां से कर दो अप्लाई, हो गई। और फॉर्मेट प्रिंटर लेके इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, ड्रैग हो गया। उसके देखो जैसे आप नंबर लिखोगे तो कोई कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत, रेड कलर का आइकन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हो गई? कंडीशन ट्रू हो गई, और एक्सेल ट्रू कंडीशन पर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है। किस पर करता है? ट्रू पर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो जो आपके पास एक फार्मूला होता है नॉट का, नॉट क्या करता है, जो ट्रू होता है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो फॉल्स होता है उसे ट्रू में कन्वर्ट करता है। ये ट्रू है ना आपका, इसी के आगे नॉट लगा दो तो वो फॉल्स मान लेगा इसको। नॉट अप्लाई और इस पे एंटर मार दो, देखिए कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ देखो कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आपका चल सकता है, समझ आया आपको? हेलो, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन कंडीशन ये है कि मोबाइल नंबर की लेंथ 10th होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर मोबाइल नंबर में 9 डिजिट्स हो तो मोबाइल नंबर क्या हो जाए, मुझे शो कर दे कि सर ये मोबाइल नंबर गलत है। तो उस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी लेंथ 10 है? तो हमारे पास एक लेंथ का फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि इसके अंदर जो आपने वर्ड लिखा है उसके कैरेक्टर की लेंथ कितनी है। यहां से बोझल इस वर्ड की जो लेंथ है वो 10 कैरेक्टर की है। तो बस सिंपल है, मैं एरिया पे जाऊंगा, यहाँ फार्मूला लगा दूंगा। यहाँ फार्मूला लगाया, मैं लिखा इक्वल टू लेन 10, और मैंने बोल दिया नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 10 के बराबर नहीं है तब कलर करना, और 10 के बराबर है तो कलर मत करना। और यहाँ पर क्लिक कर दिया अप्लाई और ओके, हो गया। देखो कलर हुआ, अप्लाई कुछ हुआ नहीं हुआ, आप नीचे ड्रैग करो, लेकिन यहाँ अप आ गया। क्यों आ गया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर वैल्यू 10 होगी
तो कलर मत करना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 10 कर दिया। अगर नॉट इक्वल टू 10 मतलब 10 के बराबर है तो कलर मत करो, और 10 के बराबर नहीं है तब आप कलर करो, ठीक है। लेकिन सर ये तो बताओ यहाँ कलर क्यों क्यों हो रहा है, नीचे नीचे कलर क्यों हो रहा है? This conference will now be recorded. अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, अब इसको क्या करना है, क्योंकि जो ये ब्लैंक सेल होती है ना, अगर आप यहाँ लेंथ लगाओगे तो एक्सेल बताता है कितनी लेंथ है इसकी, जीरो लेंथ है, कितनी लेंथ है जीरो, और जीरो भी आपका नॉट इक्वल टू 10 होता है। आपने यहाँ लिखा और नॉट इक्वल टू 10 करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ट्रू, और ये कलर हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर दो कंडीशन लगानी है, दो कंडीशन लगाने के लिए सीखना पड़ेगा, एक और होता है और एक हमारे पास एंड होता है, एंड रिक्वायर्ड होता है और ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब मैंने बोला यहाँ एक और दो है, अब आपको या तो एक चुनना है या तो दो चुनना है, तो आपके ऊपर आप एक चुनो या फिर दो चुनो, ठीक है। लेकिन जो एंड होता है उसके अंदर एक ही ऑप्शन होता है कि आपको यही चुनना है। तो अब हमें यहाँ एक कंडीशन लगानी है एंड की, आप कहाँ जाओगे, डायरेक्ट आओगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां से अप्लाई करोगे एंड, लिखोगे एंड और यहां पर बोलोगे ये लेन जो है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 10, जीरो से बड़ी और कॉमा, क्या होना चाहिए, 10 से जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो दो कंडीशन आपको यहाँ पर लगानी थी, पहली लेन इज ग्रेटर देन जीरो और दूसरी लेन इज नॉट इक्वल टू 10। उसके बाद इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई अप्लाई, देखिए यहाँ से वो जीरो गायब हो गया। अगर यहाँ जैसे नंबर शॉर्ट लिखोगे और इंटर मारोगे तो बिजी आपको कलर कर देगा साफ इस तरीके से, ठीक है। तो दो कंडीशन इस तरीके से लिए अप्लाई होगी। इसके बाद आज के लिए ना इतना ही, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हमने इस टॉपिक को कवर करा कि न्यू रूल्स का किस लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं और कलर करके उसको पता कर सकते हैं। ये सारी चीज कंडीशन के बिहाफ से, अगर कंडीशन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसी कंडीशन अगर आपकी गलत होगी तो वो अपने आप कलर कर देगा, ठीक है।